कोरोना महामारी के बीच एक अच्छी खबर आपको बता दें, देश में बहुत जल्द वैक्सीन आने की उम्मीद है। कोरोना वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो सकेगी, इस विषय पर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आधिकारिक रूप से, क्योंकि आप देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूरी सिचुएशन आप हमें बताएं वैक्सीन को लेकर। कई विदेशी कंपनियों ने दावा किया है, कोई 90% को 94.5% एफिकेसी का दावा कर रहा है। हिंदुस्तान में वैक्सीन को लेकर मामला कहां पहुंचा है, और फिर आखिर में हमें बताइए कि कब तक हम ये माने, क्या 2021 के जनवरी में, फरवरी में, मार्च तक, कुछ भी जो आप आधिकारिक रूप से पुष्ट तरीके से हमारे दर्शकों को वैक्सीन पर बताएं। देखिए, आपने अपने सवाल में वैक्सीन के ऊपर केंद्रित रहने के लिए कहा, आपने उल्लेख किया कई जो कोई विदेशी कंपनियां क्लेम्स कर रही हैं, तो जो विदेशी कंपनियां जो कुछ भी कह रही हैं उसके बारे में, उनके क्लेम्स के बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। सब अपने अपने तरीके से दुनिया में प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में शायद 250 से ज्यादा इस समय वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, जो WHO के अगर आप इंफॉर्मेशन से पे जाएं, और उस 200-250 कैंडिडेट्स में से 30 कैंडिडेट्स भारत के अंदर हैं, और इस 30 में से 5 हमारे क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न फेजेज में हैं। जो विदेशों के अंदर, जो मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा समय से पहले कह रहे हैं या अभी ट्रायल्स के फेजेज में चल रहे हैं लेकिन अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, उनके जब तक भारत के अंदर, हमारे अपने देश के लोगों के अंदर हमारे ट्रायल्स नहीं होंगे उन वैक्सीन्स के, तब तक हम उनके बारे में, पहली बात तो हम लोगों को कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। उनमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, उनका यहाँ पर कोई चर्चा करने का विषय नहीं है। हमारे लिए, हमारे देश में जब भी हम वैक्सीन लोगों को देना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा इश्यू होगा उस वैक्सीन की एफिकेसी और उस वैक्सीन की सेफ्टी। हमारे लिए सेफ्टी का इशू सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसलिए जो हमारे यहाँ पर अभी 5 वैक्सीन्स जो हैं वो अलग अलग फेजेस में है, 2 इसमें से क्लिनिकल ट्रायल के थर्ड फेज में है, उसमें से भी एक थोड़ा सा ज्यादा एडवांस्ड में है, एक थोड़ा कम है। तो इन सबको अगर हम, मैं बिना किसी कंपनी विशेष का या बिना किसी पर्टिकुलर वैक्सीन का, क्योंकि हर एक वैक्सीन के अपने अपने पहलू हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपका कार्यक्रम शायद उतना समय भी नहीं दे पाएगा। तो हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगी, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारा टारगेट है कि लगभग जुलाई के महीने तक हम देश में 20-25 करोड़, और अगर मैं और एक दो महीना ऐड कर दूं उसमें, अगस्त सितंबर कर दूं, तो 25 से 30 करोड़ तक लोगों को हम देश में एक सेफ इफेक्टिव वैक्सीन, जो हमने हमारे अपनी सब तरह की संतुष्टि करके, ट्रायल्स करके, वैलिडेशन करके, उसके सारे जैसे अप्रूवल्स देके, उसको हमने देश के लिए उपलब्ध करा दिया होगा, वो हम लगा पाएंगे। अब ये जो 20-25 करोड़ लोग शुरुआत में कौन से हो, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने, सबसे बड़ी खुशी की बात है प्रधानमंत्री जी, ये वैक्सीन का फ्रंट भी जो है आपने देखा, अभी उन्होंने लास्ट वीक भी मॉनिटर किया, वो कुछ समय के बाद लगातार इसको रेगुलरली स्वयं मॉनिटर करते हैं, हम सबको गाइडेंस वगैरह देते हैं। तो एक एक्सपर्ट, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बना हुआ है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि वैक्सीन तो धीरे धीरे उसकी मात्रा में उपलब्ध होगी। यद्यपि भारत भाग्यशाली है कि हम आज भी दुनिया के 60% लोगों को वैक्सीन देते हैं, जो अगर रूटीन में बाकी मैन्युफैक्चरिंग के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत की इतनी है, दैट वे भारत जो है, जैसे हम बहुत सारी दवाइयों को सारी दुनिया को, कोविड में 150 देशों को हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है दवा उपलब्ध करा रहे थे। तो हमारी अब इसमें, इस ग्रुप ने बहुत विचार विमर्श करके प्रायोरिटीज तय की हैं। अब उसमें प्रायोरिटीज में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, हेल्थ केयर वर्कर है। हेल्थ केयर वर्कर की डेफिनेशन क्या है कि ये जो हेल्थ केयर सेटिंग में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें डॉक्टर नर्सेस के साथ साथ जो हेल्थ केयर सेटिंग में जो भी काम करता है, पूरा ये सारे देश के अंदर, यानी वो स्टाफ जरूरी नहीं कि वार्ड के अंदर ही काम कर रहा हो, वो कहीं पे भी, यानी हेल्थ केयर सेटिंग में सरकारी और प्राइवेट। फिर दूसरा प्रायोरिटी क्या है, फ्रंट लाइन वर्कर, जो हेल्थ केयर के सेटिंग से जुड़ा नहीं है लेकिन अब जैसे आपने देखा दिल्ली में अब सैनिटेशन के लोग हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, पुलिस के लोग हैं, पैरामिलिट्री है, या इस तरह के जो लोग हैं। फिर उसी में नेक्स्ट प्रायोरिटी है कि जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं। फिर उसके बाद आप फर्स्ट ग्रुप ही हमें बता रहे हैं सर? नहीं नहीं, मतलब इसी में 3 अलग अलग जो कैटेगरी, ऑब्वियसली। तो इसी तरह से फिर जो 50 और 65 साल के लोगों के बीच की जो कैटेगरी है, ये सारे
ये सब लगभग कवर हो जाएंगे इसी पीरियड के अंदर, टारगेट करेंगे मतलब यस ये सब लगभग इसी पीरियड में कवर हो जाएंगे। 50 प्लस है या 65 प्लस है? नहीं, एक 65 प्लस एक कैटेगरी हो गई। फिर हमने ये देखा कि 50 साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों को ये तकलीफ, 80% को से मान के चलो ये तकलीफ हुई है, तो फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी हो गया 50 से 65 के बीच का। अभी ये सारी चीजें इन वेरियस फेजेज हैं और इसके हिसाब से तैयारियां हो रही हैं। फिर अगर 50 से कम में जाना है जब नेक्स्ट स्टेज में, तो फिर उसमें भी जिसको कोमॉर्बिडिटी है, मान लीजिए उसको पहले से कोई डायबिटीज है या दूसरी बीमारियां है। मोबाइल ऐप के जरिए गली गली तक टेस्टिंग करने के अभियान का आगाज किया गया है स्पाइस हेल्थ ने। महज 500 रुपए में यह टेस्ट किया जा सकेगा, जो कोरोना से जुड़ा सबसे प्रभावी टेस्ट माना जा रहा है। इस कंपनी के अधिकारियों से बात की हमारी संवाददाता पूनम शर्मा ने। जो CMD है गुड स्पाइस जेट के, वो हमारे साथ है। सर बताइए इस इनिशिएट को लेकर और आम लोगों को इसका कितना फायदा? देखिए, जितनी भी हम टेस्टिंग कर सकेंगे उतनी जल्दी हम कोविड की समाप्ति अपने देश से कर सकेंगे, ये ऐसा हमें लगता है। और टेस्ट करने में एक बड़ी कठिनाई ये थी कि बहुत महंगा टेस्ट आज हमारे यहाँ होता है, 2400 रुपए का टेस्ट होता है। और तो हमने जिस प्रकार से हवाई सेवा शुरू की थी, कम दाम पे हवाई सेवा, उसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि कम दाम पर हम RT-PCR टेस्ट कर सकें। मोबाइल टेस्टिंग की लेबोरेटरी है, तो जहां पर भी इसकी आवश्यकता हो उधर हम इस लेबोरेटरी को ले जा सकें। जहां पर जैसे कंटेनमेंट जोन्स हैं या जैसे एरियाज हैं जहां पर ज्यादा कठिनाई हो रही है, तो उधर हम टेस्टिंग कर सकें, और जब वहां पर टेस्टिंग खत्म हो जाए तो हम उठा के कहीं और इसको ले जाएं। दूसरा, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसके रिजल्ट्स दे सकें। आज लोग 24 से 48 घंटे वेट करते हैं रिजल्ट्स की, और हम कोशिश करेंगे कि इसके 6 से 12 घंटे में हम रिजल्ट दे सकें। अच्छा, इसके लिए किस तरह का स्टाफ, आपने कितना स्टाफ रखा हुआ है, किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, वो थोड़ा बताइए। इसमें बहुत काफी स्टाफ रखा गया है। हर वैन के साथ डॉक्टर हैं, PhDs हैं, साइंटिस्ट हैं। तो मतलब इस समय तक हमने तकरीबन 125 लोग हायर किए हैं, और पहले चरण में हम 10 ये लैब बना रहे हैं, और हमारी योजना ये है कि तकरीबन 100 वैन अभी अगले 2-3 महीने में हम इसकी खड़ी कर सकें। स्पाइस हेल्थ की तरफ से जो इनिशिएट शुरू किया गया है उसकी CMD अवनी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अवनी, क्या ख्याल पहला ऐसा आया जिसे देख के आपको लगा कि टेस्ट दिल्ली में होने चाहिए? हाँ जी, यही ख्याल आया कि इतने केसेस बढ़ रहे हैं अभी कोरोना वायरस के, और अभी वैक्सीन जब आएगी तब हम उसका भी इनोवेशन करेंगे, लेकिन अभी जो बेस्ट वे है केसेस को कंट्रोल करना वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम टेस्टिंग करें और केसेस को जल्दी पकड़ के हम उसको फिर कंटेन कर पाए। इसकी कीमत अभी क्या रखी गई है? अभी 500 रुपए रखी गई है। और क्या आप लेके चल रहे हैं कि एक महीने में कितने टेस्ट आप कर पाएंगे, कितनी ये आपके पास वैन होंगी, कितना स्टाफ है, डॉक्टर्स है, वो सब थोड़ा बताएं। हमारा जो एक वैन है 2 RT-PCR मशीनों के साथ 3000 टेस्ट कर सकता है एक दिन में, और अभी एंड ऑफ द वीक तक हमारे 10 वैन खड़ी हो जाएंगी, और यही प्लान है कि जल्दी से जल्दी हम स्केल अप करें और सबसे जो कंटेनमेंट जोन्स है इंडिया में उधर इन वैन्स को सिचुएट करें। अच्छा, दिल्ली में कितनी वैन रहेंगी अगले एक महीने के दौरान? अभी तो आज शुरुआत हो गई है। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने कहा अभी 10 वैन इस हफ्ते खड़े हो गई हैं और हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं स्केल अप करने का। और कितने डॉक्टर्स की टीम आपके पास है, कितने एक्सपर्ट्स? एक वैन के अंदर 5 टेक्नीशियंस होते हैं, एक MD और एक PhD होता है, और हर वैन के लिए इसी सिस्टम को रेप्लिकेट करना होता है। और टेस्ट के जो रिजल्ट हैं वो कब तक आएंगे? जैसे एक वैन मुझे लगता है 3000 आप टेस्ट कर सकती है, तो ऐसे में कितनी वैन अगले एक हफ्ते में आप उम्मीद कर रहे हैं रहेंगी, और कितने टेस्ट आप रिजल्ट दे पाएंगे? तो जैसे कि मैंने बोला 10 वैनों की का प्रेपरेशन शुरू हो गया है और ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गई है वैन एंड ऑफ दिस वीक तक, और रिजल्ट जो है ये RT-PCR का रिजल्ट 6 घंटे में आ जाएगा। ये एंटीजन और रैपिड टेस्ट नहीं है, RT-PCR ही है जो सबसे एक्यूरेट टेस्ट है कोरोना वायरस का। और इसमें क्या उम्मीद हम रखें कि क्या इस टेस्ट की कीमत और धीरे धीरे कम हो सकती है जब हमें लगे कि और ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं या और वैन आ रही है, तो कीमत घट सकती है और टेस्ट की? जी देखिए, मैं उम्मीद तो यही करूंगी क्योंकि अभी जो दिल्ली में टेस्टिंग हो रही है वो 2400 रुपए में हो रही है और हमने ऑलरेडी इसका 500 रुपए कर दिया है, तो अब उम्मीद तो यही रहेगी कि बस कम होते रहे और जल्दी से जल्दी लोग बस टेस्ट होते रहे ताकि ये पैंडेमिक कंट्रोल हो पाए। अगर आप दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से मुंबई फ्लाइट लेकर आ रहे हैं तो पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। यही नहीं, ट्रेन से इन राज्यों से गुजरकर होकर आने वाले यात्रियों को भी अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा। दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात से मुंबई आने वाले हवाई यात्रियों को करवाना होगा कोरोना टेस्ट।
25 नवंबर से लागू होगा कोरोना की रिपोर्ट लेकर आने का नियम। जो यात्री बिना कोरोना रिपोर्ट के आए एयरपोर्ट पर होगा उनका कोरोना टेस्ट। ट्रेन यात्रियों के लिए भी गाइडलाइंस जारी, यात्रा के 96 घंटे के अंदर करवाना होगा टेस्ट। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए फैसला। मुंबई में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को लेकर बीएमसी ने सख्ती बढ़ा दी है। बीएमसी की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से हवाई यात्रा कर मुंबई आने वाले यात्रियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।